Hello students, welcome to our Damasco School online classes. Today we are going to start remaining topic of chapter 4 quadratic equation. Last lecture में हमने आपको बताया था कि quadratic equation क्या होता है, quadratic equation को कैसे solve करते हैं और quadratic equation को solve करने के लिए आपको दो method last video में बताया गया था. पहला था splitting middle term और दूसरा आपका क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग श्रीधराचार फॉर्मूले से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसको कैसे सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने का मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज होंगे उस वेरिएबल्स की या फिर उस रूट्स की या फिर जीरोस की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला. पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है. तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला दिया जाएगा, उस फार्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला. और इस फार्मूले को मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने दिया था, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, राइट. क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है. ये जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट होता है एक्स इक्वल टू करके. एक्स इक्वल टू करके इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि जो उसमें वेरिएबल्स यूज होते हैं उसी वेरिएबल्स के इक्वल करके हम लोग लिखते हैं. सपोज दैट लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको क्या बताया गया था, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसमें यह बताया गया था कि जो ए बी सी है यह आपका क्या है, एक रियल नंबर है और ए is the coefficient of x square, this is the coefficient of x and c is a constant term, right. और ये भी बताया गया था कि a is not equal to 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x square का term क्या हो जाएगा, eliminate हो जाएगा. और जब x square का term eliminate हो जाएगा तो फिर वहां पे जो maximum power of the variable होगा वो 2 नहीं होगा, तब क्या बचेगा आपका, केवल x का टर्म बचेगा. और इस x के टर्म पर जो मैक्सिमम पावर होगा वो 1 होगा, और जिस पर मैक्सिमम पावर 1 होता है वो आपका क्या होता है, लीनियर होता है. क्या होता है वो आपका, लीनियर होता है. इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता. बात समझ में आ गया. तो यहां पे देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी दिया गया है, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a b c are real number and a is not equal to 0, yani a kabhi bhi 0 nahi ho sakta, right. ab is quadratic equation ke liye jo formula diya jayega इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वही फॉर्मूला आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, या उसे हम लोग बोलेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट. अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या है, तो यहां पे आपको डेरिवेशन नहीं बताया जाएगा क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी भी श्रीधराचार्य का डेरिवेशन नहीं पूछता है. तो डायरेक्टली हम यहां पे आपको उस फॉर्मूले को बता देते हैं कि वो फॉर्मूला होता क्या है, फिर उस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे और इंप्लीमेंट करके हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे या रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. क्या होता है वो फार्मूला देखिए, ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पे x वेरिएबल है, तो अगर x वेरिएबल है तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, x इक्वल करके लिखेंगे, राइट. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b square minus 4ac upon 2a. This is the quadratic formula or श्रीधराचार्य formula. यही जो formula होता है
इसी को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, आप उस दो नंबर्स को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप कॉमन लेकर के फिर उसके प्लस माइनस करके नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप क्या करिए, इसी फॉर्मूले का यूज कर लीजिए और उस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों यूज है, ये इंडिकेट कर रहा है कि x की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि ये आपको बताया गया था कि द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या बताया गया था, टू बताया गया था। इट मीन्स जो x की वैल्यू आएगी वो x की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पे एक बार x को पॉजिटिव लेंगे और एक बार x को क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, राइट। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये जो ABC की वैल्यू है इसको फाइंड आउट कहां से करेंगे, तो जो ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जनरल फॉर्म से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, राइट। तो जब इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उस एबीसीडी की सॉरी एबीसी की वैल्यू को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एक्स की वैल्यू मतलब वही आपका क्या है, रूट है या फिर जीरो है, राइट। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन करते हैं कि वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे किया जाए, कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। सपोज दैट ये आपका क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - x + 4 = 0, राइट। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो इसको कंपेयर करिए, कंपेयर विद ax² कंपेयर विद ax² प्लस bx + c = 0। इस जनरल फॉर्म से क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके फिर एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ x² यहां पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है और यहां पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। इट मींस a किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, सो वी कैन राइट a = 2, राइट। हियर कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b है, सो वी कैन राइट b = 1। देखिए यहाँ पे सॉरी -1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, -1 हो गया एंड c = 4, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग जनरल फॉर्म को कंपेयर करके, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग सबसे पहले एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो इस वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज हैं, इस वैल्यूज को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे और पुट करने के बाद फिर हम लोग एक्स की वैल्यू या वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट करिए तो देखिए क्या आएगा, ये आपका है फॉर्मूला x = -b + √b² - 4ac/2a। तो क्या हो जाएगा, x = -b और यहां पे देखिए b की वैल्यू क्या है, -1 है और यहां पे ऑलरेडी पहले से माइनस है, इसलिए जब b की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया +1 +√b² - 4ac, इन प्लेस ऑफ बी इज -1 स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा दीजिए -4a, a मींस 2 इंटू सी, सी मींस 4 इंटू 4, राइट, अपॉन 2a, a मींस a की वैल्यू क्या है, 2 है,
इन प्लेस ऑफ टू वी कैन राइट टू राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए 1 प्लस माइनस रूट माइनस 1 होल स्क्वायर, तो माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 राइट। लिसन अगेन 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 राइट अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 32 अब यहां पे देखिए 1 माइनस 32 रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस 31 आ जाएगा राइट अपॉन 4। बात समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए एक चीज, यहां पे रूट में क्या आया हुआ है, रूट में यहां पे माइनस आ गया है ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो रूट में यहां पे जो माइनस आ जा रहा है ये माइनस नहीं आना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन हमने यहां पे लिया है ये क्वेश्चन में जब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां पे रूट में क्या आ गया माइनस 31 आ गया, क्या आ गया माइनस 31 आ गया, और रूट में माइनस 31 नहीं आना चाहिए। तो अगर रूट में माइनस 31 आ जाएगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल्स यूज है उस वेरिएबल्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब वेरिएबल्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी सो वी कैन से दैट यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स रूट्स और जीरोस राइट। अब यहां पे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो रूट में माइनस आ गया, बात समझ रहे ना। तो यहां पे अगर रूट में माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब आप किसी भी मेथड से, चाहे वो स्प्लिटिंग मेथड हो, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो, या इस फॉर्मूले से आप वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रूट में माइनस आ गया। तो अगर रूट में माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब देखिए यहां से क्या हो गया, रूट में माइनस 31 आ गया। तो अगर रूट में माइनस 31 आ जाएगा या माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब कि यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उस वेरिएबल्स की वैल्यूज आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। तो वैल्यू फाइंड आउट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहां पे रूट में माइनस आ गया तो रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। बात समझ गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करिए या स्प्लिटिंग मेथड से करिए, इसका मतलब ये नहीं है। अगर यहां पे फॉर्मूले से रूट में माइनस आ गया तो इसकी जो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो द वैल्यूज डू नॉट एग्जिस्ट, द वैल्यूज डू नॉट एग्जिस्ट, यानी वैल्यू क्या है एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बात समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसपे ये लगे कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और जब वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे वहां पे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन हमने लिया और यहां पे जो फॉर्मूले में उस वैल्यूज को हमने पुट किया, तो वैल्यूज को पुट करने के बाद रूट में आपका क्या आ गया माइनस 31 आ गया, और जो रूट में माइनस 31 आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करा। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 राइट अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब देखिए, देखने पे लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखने में नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स पे पावर क्या है 1 है, और यहां पे भी वेरिएबल्स पे पावर क्या है 1 है। तो अगर वेरिएबल्स पे पावर 1 होता तो क्या होता है, लीनियर होता है, लेकिन ये लीनियर है नहीं। जब आप इसको कुछ स्टेप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जब जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे तो यही इक्वेशन आपका इस फॉर्म में हो जाएगा।
इस फॉर्म में हो जाएगा, मतलब कि x स्क्वायर का भी टर्म होगा, x का भी टर्म होगा और c कांस्टेंट टर्म भी होगा। बात समझ में आ गई? अब चलिए इसको सॉल्व करिए। पहले देखिए यहां पे 1 बना सकते हैं, इसको l से लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x एलसीएम हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे, x में x टाइम मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस, यहां पे डिवाइड करेंगे 1 टाइम हो जाएगा आपका 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 में, तो वही आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू x 3x। बात समझ में आ गया? अब यहां पे देखिए जो जनरल फॉर्म आपको बताया गया था, उस जनरल फॉर्म में क्या है कि पहले x स्क्वायर का टर्म होता है, फिर x का टर्म होता है, फिर कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहां पे पहले x स्क्वायर का टर्म है, तो x स्क्वायर का टर्म हो गया, फिर उसके बाद x का टर्म होता है, यहां पे x का टर्म है, इसको जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए तो -3x और ये आपका क्या हो जाएगा -1 एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0 और ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस एबीसी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में या श्रीधराचार फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसी से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, so we can write a equal to 1, coefficient of x is -3, so b equal to -3 and c equal to -1। अब यहाँ पे ये जो abc की वैल्यू आई हुई है, इसी abc की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करिए और देखिए क्या आता है x की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, x equal to minus b, यहाँ पे माइनस है और यहां पे भी b की वैल्यू क्या है, -3 है, जब यहां पे पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b क्या आपका -3 है तो -3 होल स्क्वायर माइनस 4a, a मींस 1 इंटू c, c मींस -1, बात समझ में आ गया, अपॉन 2 इंटू a और a की वैल्यू क्या है 1। अब यहां पर हमने क्या किया कि एबीसी की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दिया, बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बस यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी इसको सिंपलीफाई करेंगे, जब जो आपका वेरिएबल्स है, जो आपका रूट्स है, वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब रूट में माइनस नहीं आएगा। अगर रूट में माइनस आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हो सकता है यहाँ पे माइनस आए, हो सकता है ना भी आए, तो देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा, -3 होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस, देखिए यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, 4 बन जाए 4 राइट, अपॉन 2 बन जाए 2 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस 4 13 बाई 2, यानी x की क्या वैल्यू आ गई, 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। क्या रूट में माइनस आया हुआ है, रूट में माइनस नहीं आया हुआ है, और जब रूट में माइनस नहीं आया हुआ है इसका मतलब यहां पे जो x की वैल्यू आई हुई है ये एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस x की दो वैल्यू है। जैसे यहां पे अभी हमने आपसे क्या कहा था कि यहां पे इस फॉर्मूले में प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आप पॉजिटिव भी लेंगे एक बार और x की वैल्यू आप क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। जब x की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे तब आप यहां पे x की दो वैल्यूज फाइंड आउट आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने आपको बताया भी था कि जितना मैक्सिमम पावर होता है x की उतनी वैल्यू आती है, क्योंकि यहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो डिग्री होता है, वो 2 होता है। तो जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए जाएंगे और इस चैप्टर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वेरिएबल्स पे जो पावर होगा, जो डिग्री होगा, 2 होगा, तो जब भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की दो ही वैल्यू आएगी, दो से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए दो वैल्यूज यहां पे कैसे होगा,
चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे टू वैल्यूज हम लोग लिखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, देखिए कैसे टू वैल्यूज यहाँ पे होगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो यहां पे प्लस लेंगे और इस माइनस को लेफ्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? जब टेकिंग पॉजिटिव साइन करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस आप ले लेंगे और माइनस को यहां पे लेफ्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जाएगा 3 प्लस रूट 13 बाई 2। तो एक x की वैल्यू ये होगी। बात समझ में आ गई? अगेन टेकिंग निगेटिव साइन, और जब नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो प्लस वाले को लेफ्ट कर देंगे, हो जाएगा एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 बाई 2। बात समझ में आ गया? तो ये यहां पे आपका क्या हो गया, एक्स की टू वैल्यूज आ गई, और दोनों जो एक्स की वैल्यू है वो डिफरेंट है, दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है। एक एक्स की वैल्यू 3 प्लस रूट 13 बाई 2 है और दूसरी एक्स की वैल्यू 3 माइनस रूट 13 बाई 2 है, यानी दो अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं और दोनों रियल है। हमने आपसे कहा भी था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एबीसी है वो रियल वैल्यूज होता है, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज है वो भी रियल में आना चाहिए, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आना चाहिए। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर में तभी आएगा जब रूट में माइनस हो जाएगा, और जब रूट में माइनस होगा तो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे x की टू वैल्यूज आ गया, एक आपका 3 प्लस रूट 13 बाई 2 आ गया, दूसरा क्या आ गया, x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 बाई 2 आ गया। और इस तरह से इसी प्रोसेस से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं, और यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सर कि जो x की वैल्यू आई हुई है, दो अलग अलग आई हुई है, बिल्कुल सही है, दो अलग अलग आई है। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको ये पहले से पता चल जाएगा कि जब भी हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x की वैल्यू दोनों सेम आएगी या दोनों डिफरेंट आएगी, ये आप पहले से जान जाएंगे। कैसे? इसको जानने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जान जाएंगे और इसके बेसिस पर आपको ये पता चल जाएगा कि जो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट होकर के आई हुई है ये दोनों इक्वल होगी या ये दोनों आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की। किसकी बात कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की। और जब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जान जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो दोनों वैल्यूज यहां पे आई हुई है ये डिफरेंट है कि इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? कभी कभी क्या होता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं किसी भी मेथड से, चाहे वो स्प्लिटिंग मेथड हो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो या इस फॉर्मूले का यूज करके करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स की वैल्यू सेम आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स की वैल्यू डिफरेंट आ जाता है। तो आपके माइंड में ये होता है कि जब आप उसको घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, तो आपने जब घर पे सॉल्व किया था तो दोनों एक्स की वैल्यू सेम आई थी, एग्जाम में आपका दोनों एक्स की वैल्यू डिफरेंट आ गया, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसको जानेंगे। सॉल्व करने से पहले ही कैसे आपको पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू डिफरेंट होगा या फिर इक्वल होगा, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। बहुत सिंपल होता है, इसी फॉर्मूले से आप डिस्क्रिमिनेंट जान जाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। चलिए तो नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में जो ये रूट भी लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बात समझ में आ रही है ना, ये जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो रूट में लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। चलिए तो यहां पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको जानना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, और जब आप डिस्क्रिमिनेंट जान जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो वहां पे आपको x की वैल्यू सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, ठीक है, यही आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। और डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, ये आपका क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या होता है ये डिस्क्रिमिनेंट, डी आई एस सी आर आई एम आई एन आई एन ए एन टी, यही आपका क्या हो गया डिस्क्रिमिनेंट हो गया, इसे हम लोग कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, पहले आप क्या करेंगे डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद कंपेयर करेंगे जीरो से, और जब जीरो से कंपेयर करेंगे तो थ्री केसेस बनते हैं और उसी थ्री केसेस के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा कि जो एक्स की वैल्यू है वो डिफरेंट है या इक्वल है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बात समझ में आ गई। तो थ्री केसेस क्या है जो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट केसेस आपका है, फर्स्ट केस आपका हो जाएगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है कि इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी यहां से जब आप डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहां से जब आप डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट करने के बाद अगर डी की वैल्यू जीरो से ग्रेटर आ जाती है तो जीरो से ग्रेटर आने का मतलब क्या है डी पॉजिटिव हो, बात समझ में आ गया ना भाई, डी से ग्रेटर क्या होगा जितने भी पॉजिटिव होंगे नंबर, चाहे वो आपका फ्रैक्शन में हो चाहे वो आपका होल नंबर में हो चाहे वो जिसमें भी हो बस रियल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए राइट। तो जब d इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा इन दिस केस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डिफरेंट एंड रियल, यानी कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें जो रूट्स होंगे जो वेरिएबल्स होंगे जो जीरोस होंगे वो दो डिफरेंट होंगे, बात समझ गए, और दोनों रियल होंगे। तो क्या हो गया इफ d इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा इन दिस केस, लिख लीजिए इसको, इन दिस केस द रूट्स, इन दिस केस द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट मीन डिस्टिंक्ट, भी लिख सकते हैं आप डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट, बात समझ गए। तो अगर डी की वैल्यू जीरो से ग्रेटर आ जाएगा तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो दोनों क्या होगा डिफरेंट होगा और रियल होगा राइट। सेकेंड केस आपका क्या बनेगा, सेकेंड केस आपका ये बनेगा इफ डी इक्वल टू जीरो, जब डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी यानी डी जीरो की इक्वल हो जाएगा तो जो वेरिएबल्स हैं वो रियल तो होंगे लेकिन दोनों सेम होंगे दोनों इक्वल होगा। सो वी कैन राइट लाइक दिस, इन दिस केस द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, आप इसको लिख लीजिएगा कि जो d इक्वल टू जीरो हो गया तो इसका मतलब जो रूट्स हैं जो वेरिएबल्स हैं जो जीरोस हैं जो x की वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वल होगा और रियल होगा राइट। एंड थर्ड केस, थर्ड केस में आपका क्या हो जाएगा, थर्ड केस में ये होगा कि इफ डी इज लेस देन जीरो, बात समझ गए, डी इज लेस देन जीरो, अब डी जीरो से क्या है कम है और डी जीरो से कम कब होगा जब नेगेटिव होगा, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने आप सॉल्व किया तो रूट में क्या आया था यही तो रूट में डी है इसी में क्या आ गया था नेगेटिव आ गया था, और जब नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन दिस केस the root do not exist, बात समझ गए, और जब exist नहीं करेगा तो फिर उसको आप solve करने की need नहीं हो solve नहीं हो पाएगा, बात समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है nature of a roots of quadratic equation, तो किसी भी quadratic equation के roots का nature अगर आपको find out करना है, nature find out करने का मतलब ये है कि आपका वेरिएबल्स इक्वल आएगा कि अनइक्वल आएगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, बात समझ जा गया। तो चलिए इस टॉपिक पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे और ये चैप्टर फिर आपका क्या हो जाएगा ओवर हो जाएगा, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहले क्या करना है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को यानी रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर फाइंड आउट करने का मतलब कि आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका फाइंड आउट हो जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट से आपको ये पता चल जाएगा कि रूट्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब रूट्स एग्जिस्ट करेगा, क्वेश्चन में कह भी रहा है कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है देन फाइंड देम, तब उसको आप क्या करिए, उस रूट्स को फाइंड आउट करिए। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है, जो एक्स की वैल्यूज है, जो जीरोज है, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, फॉर्मूला आपको बताया गया था d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला था जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में था या श्रीराचार फॉर्मूले में था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करना आपको आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, राइट। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a एंड हियर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, सो वी कैन राइट a इक्वल टू 2 एंड हियर कोफिशियंट ऑफ x इज b एंड हियर कोफिशियंट ऑफ x इज -3, सो b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। बात समझ में आ गया? तो a b c की वैल्यू कंपेयर करके इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और पुट करने के बाद देखेंगे कि d की वैल्यू क्या आ रही है। d की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप उसको 0 से कंपेयर करेंगे कि 0 से जब कंपेयर करेंगे तो अभी 3 केसेस बताए गए थे, उसी 3 केसेस के अकॉर्डिंग आपका रूट्स फाइंड आउट होगा। तो देखिए फॉर्मूला यही आपका है, क्या हो जाएगा यहां पे, सिंस d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इन प्लेस ऑफ b, तो b की वैल्यू क्या है यहां पे, b की वैल्यू हो जाएगी, चलिए यही से लिख देते हैं, b इक्वल टू -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इक्वल टू 2 इंटू c, c इक्वल टू 5। बात समझ में आ गया? तो देन d इक्वल टू -3 होल स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 14, राइट। अब यहां पे देखिए जो भी वैल्यू आएगी ये निगेटिव आएगा, हमको मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब है, हमको पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब है कि d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है। तो अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू निगेटिव आएगी इट मीन d इज लेस देन 0, और अगर 0 की इक्वल आ गया इट मीन अगर 0 हो गया तो d इक्वल टू 0 हो गया। तो हमको मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब है, हमको केवल साइन से मतलब है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे फिर से देख लीजिए, b की वैल्यू क्या थी यहां पे, -3 था, तो -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स आपका क्या हो गया 2 हो गया इंटू c मीन्स 5 हो गया। तो 4 2 जा 8 8 5 जा 40 और 3 होल स्क्वायर 9 9 माइनस 40 तो ये नेगेटिव आ गया। बात समझ में आ गई? तो नेगेटिव आ गया इसका मतलब d की वैल्यू 0 से क्या हो गई, कम हो गई। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सिंस d इज लेस देन 0, तो अगर d इज लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, और जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर इसको फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई? तो अगर एग्जिस्ट करेगा
तो उसको हम लोग फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, स्प्लिटिंग मीडियन टर्म या कंप्लीटिंग का स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसको आगे फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, इसको भी कंपेयर करेंगे इससे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 4 b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड a इक्वल टू 3। पास में भी आ गया, सिंस फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो d इक्वल टू b इन प्लेस ऑफ b इज माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर लगा हुआ है होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए मीन्स 3 इंटू सी, सी मीन्स 4, सी मीन्स 4। इसको कैलकुलेट करिए, d इक्वल टू माइनस होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, 4 4 जस 16 रूट 3 होल स्क्वायर 3 माइनस 4 3 जस 12, 4 3 जस 12, 12 4 जस 48, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू 4 16 इनटू 3 48 माइनस 48 एंड दिस इज इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू 0 आ गई। तो अगर d की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब क्या हुआ, जो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और एग्जिस्ट करेंगे, बट द रूट्स आर इक्वल। रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी जो x की वैल्यू आएगी और दोनों x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अभी हमने आपको बताया था 3 केसेस में कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो रूट्स तो रियल होंगे और वही दोनों रूट्स आपके आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब इसका रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने का मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए आप श्रीधराचार फार्मूला लगाइए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाइए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाइए। बात समझ में आ गया, तो चलिए ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है और ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, चलिए। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो गया इट मींस रूट्स एग्जिस्ट बट आर इन इक्वल। बात समझ में आ गई, तो अब यहाँ पे देखिए अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, श्रीधराचार फॉर्मूले से, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला ही चल रहा था तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फार्मूला आपका क्या था, सिंस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पे देखिए जो ए बी सी की वैल्यू है उस वैल्यू को आपने यहां पे फाइंड आउट किया है कंपेयर करके, ठीक है, और इसी वैल्यू को इसमें पुट करिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी यू कैन पुट माइनस 4 रूट 3। तो b की जगह पे जब आप ये वैल्यू माइनस पुट करेंगे माइनस 4 रूट 3 तो यहां पे ऑलरेडी पहले से माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो b की जगह पे क्या होगा, 4 रूट 3, 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो b आपका क्या है, यही ना, इसी का होल स्क्वायर, तो माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 a, a means 3 into c, c means 4, बात समझ में आ गई, upon 2 into a, a means 3। तो हमने क्या किया, यहां पे abc की वैल्यू को पुट कर दिया। अब abc की वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुट हो गया तो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखिए कि x की क्या वैल्यू आएगी। अब यहां पे आपको ये पता चल गया कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो दोनों x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो गया, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू
4 root 3 plus minus root. देखिए यहाँ पे minus 4 whole square क्या हो गया 16 root 3 whole square 3, right? अभी इसको हमने सॉल्व भी किया था, जीरो आया था, तो आप इसको चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे इस पूरे की जगह पे आप जीरो पुट भी कर सकते हैं। चलिए हमने लिख लिया तो सॉल्व भी कर लेते हैं। तो माइनस फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व और ट्वेल्व फोर जा 48, ये आपका 48 हो गया, अपॉन टू, टू थ्री जा सिक्स, तो ये आपका क्या हो गया, सिक्स हो गया। देन एक्स इक्वल टू फोर रूट थ्री प्लस माइनस रूट 48 माइनस 48 अपॉन 6 एंड दिस इज इक्वल टू 4 रूट 3 और ये आपका क्या हो गया 0 हो गया बाई 6। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 2 रूट 3 बाई 3। तो देखिए यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आई 2 रूट 3 बाई 3। बात समझ में आ गया, देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया और ये आपका क्या था 4 रूट 3 था, तो 4 रूट 3 हो गया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आई, 2 रूट 3 बाई 3, 2 रूट 3 बाई 3, तो यहाँ पर 2 रूट 3 बाई 3 आ गई है, तो इसको चाहे तो आप कैंसिल भी कर सकते हो रूट 3 को और 3, तो जो रूट 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होकर के इस पर रूट आ जाएगा। इट मीन्स इसको आप ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3। दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सेम ही है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ, जब इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आपका ये आ गया। अब इसी x की वैल्यू को आप क्या करिए 2 टाइम्स लिख दीजिए, यही x की दोनों वैल्यू हो गई, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया कि जो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो जो वेरिएबल्स होंगे, जो रूट्स होंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो एक x की वैल्यू ये होगी और दूसरी x की वैल्यू भी यही होगी। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से ये जो चैप्टर 4 है, और चैप्टर 4 में जो जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स हमने आपको बता दिया, ठीक है। पहला क्या था, पहला ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, किसी भी पॉलीनोमियल को या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। उसमें ये बताया गया था कि द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 2 और डिग्री 2, तो अगर वेरिएबल्स पे पावर आपका 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक हो गया। बात समझ में आ गया। दूसरा ये बताया गया था कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाए। फैक्टराइज करने का मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल्स हैं, जो रूट्स हैं, जो जीरोस हैं, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। तो इसके लिए आपको 2 मेथड्स बताए गए। पहला मेथड आपका क्या था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म था, इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया गया। दूसरा आपका क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया गया लास्ट लेक्चर में। और आज हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। इसमें 3 केसेस बने थे डिस्क्रिमिनेंट का, और डिस्क्रिमिनेंट के 3 केसेस भी हमने आपको बता दिया कि वो कैसे रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको आपको आगे सॉल्व करना है कि नहीं करना है, ये डिस्क्रिमिनेंट से आपको पता चल गया, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए उस सारे टॉपिक्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के ही कराए गए हैं, और एनसीईआरटी के अलावा कोई क्वेश्चन अभी इसमें कराया नहीं गया है। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 4 के, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए। बात समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड होगा, और क्वेश्चन सब करेंगे, और वो भी क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। बात समझ में आ गई। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।